हाय फ्रेंड्स, मैं पम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज डिश जिसका नाम है मंचूरियन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्ता गोभी है उसको कद्दूकस कर लिए हैं, 500 ग्राम है, उसको एक बॉल में डाल देते हैं। उसके बाद दो शिमला मिर्च है उसको भी छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, उसको भी डाल देते हैं। चार पांच गाजर है उसको कद्दूकस कर लिए हैं, उसको भी डाल देते हैं। अब हम इसमें 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, ये देखिए। अब हम डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 छोटा चम्मच, और हमें सभी चीज़ों को मिक्स करना है हमें। अब सारे सब्जियों को अच्छी तरह मिला चुके हैं, अब 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसका पानी छूट जाए, और इसी से हम बॉल बनाएंगे इसका। अब हम ढक्कन उठा के देख लेते हैं, ये देखिए पत्ता गोभी पानी छोड़ चुका है, इसीलिए सारे सब्जियां अच्छी तरह मिल चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह और मिक्स कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे हम। अब बॉल बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, इससे बॉल बहुत अच्छी बनेगी और हाथ में भी सब्जी नहीं चिपकेगी। ये देखिए इसी तरह हमको गोल गोल बनाना है, इसी तरीके से सारे बॉल बना लेंगे हम और एक प्लेट में रख लेंगे। देखिए सारे बॉल बना चुके हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म होने दे दिए थे, अब इसमें एक एक करके हम बॉल डालेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलेंगे। अब देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको पलट देते हैं। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, और उसको गर्म होने का वेट करेंगे। अब तेल गर्म हुआ हमारा हो चुका है, अब इसमें 4 कटी हुई मिर्च डाल देते हैं हरी वाली, और उसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें 20-25 कलियां हैं लहसुन की, उसको छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, अब उसको भी डाल देते हैं और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब लहसुन देखिए हो गया है गोल्डन ब्राउन, अब इसमें 1 बड़ा प्याज डाइज में जिसको हम काट लिए हैं, ये देखिए इसी तरह काटना है, अब इसको डाल देते हैं। एक शिमला मिर्च है उसको भी डाइज में काट चुके हैं, उसको भी डाल देते हैं। इसी तरीके से काटना है और इसको भी साथ में भून लेते हैं। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है हमें, बस थोड़ा सा ही पकाना है। अब ये भून चुका है हल्का सा, अब इसमें टोमेटो सॉस डाल देते हैं 1 चम्मच। एक चम्मच चिली सॉस डालेंगे हम। आधा चम्मच के करीब सोया सॉस, और इन सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। अब ये सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लिए हैं, अब इसमें आधा चम्मच हम विनेगर डाल देते हैं,
इससे थोड़ी सी खटास आती है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि हम नमक पहले भी दे चुके हैं इसलिए ज़्यादा नहीं डालना है हमें। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के घोल तैयार कर लेते हैं। अब हमारा घोल तैयार हो चुका है, अब कढ़ाई में डाल देते हैं और इसको जल्दी जल्दी मिलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। ये इसी तरह हमको मिलाना है जल्दी जल्दी ताकि बराबर से मिल जाए और गुठलियाँ ना पड़े। अब ग्रेवी पूरी तरह तैयार हो चुका है, अब इसमें सारे पकौड़े डाल देते हैं इसी तरीके से। अब हम सारे पकौड़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे। अब एक उबाल आ चुका है और हमारा मंचूरियन भी बन के तैयार हो चुका है, अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारा मंचूरियन पूरी तरह से खाने के लिए तैयार है। आप भी अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।